नालागढ़ से 5 किलोमीटर दूर बागबानिया में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस पलट गई। हादसे में एक दंपत्ति को चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए पीजीआई रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने नाले में जा गिरी। नालागढ़ बस अड्डे से सवारियां लेकर दिल्ली जा रही नालागढ़ डिपो की बस जैसे ही बागबानिया पहुंची तो पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बने नाले में जा गिरी और साथ लगते बिजली के खंभे को भी तोड़ दिया। बस में कुल 25 के करीब सवारियां बैठी थी, जिनमें से एक दंपति को चोटें आईं और दोनों को पीजीआई रेफर कर दिया गया। नालागढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी थी। मैं नालागढ़ से 5 बजे ड्यूटी के लिए जा रहा था और बागबानी के थोड़ा सा पीछे मैं अपनी स्लो स्पीड में चला हुआ था, पीछे ट्रक बड़ा आया स्पीड में और मेरे गाड़ी को टक्कर मार दी और गाड़ी पीछे चली। ये बस कहाँ से जा रही थी? तो सवारी कितनी थी इसमें? सवारी तो 15-20 थी, एक सवारी को लगी हुई, बाकी। सिटी चैनल के लिए नालागढ़ से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट।